ऐसे कैसे तैसे फाइनली वी रीच एशेटिक लाइब्रेरी, बट इतना घटिया सीन है ना यहाँ पे यार। मतलब फोटो शूट के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे एंड दिस आर टीम मेंबर्स जो कर रहे हैं। एक्चुअली दो फोटोग्राफर हमारे पास, डोंट वरी। और ये सब वैसे मुकट में आए थे तुम लोगों बस आगे ऐसे अरे दे ऑल आर माई स्टूडेंट्स। ओके सो एशेटिक लाइब्रेरी, वेट अ सेकेंड। कुछ ऐसा नज़र है एशेटिक लाइब्रेरी का फिलहाल के टाइम पे। I don't know how we are gonna shoot now. That will be pain in the ass now. है कि नहीं? जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ तो। चलो देखते हैं। Check it out. नमस्कार दोस्तों। So इस तरह से change किया मैंने फटाफट अभी। Shoot देखते कैसे होगा। मेरा first time ही मैं photo shoot कर रहा हूँ और मेरे students हैं ये। By the way, हम लोगों ने कुछ बात की है पैसों के बारे में भी, क्योंकि फ्री में काम करना मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली। क्योंकि इफ़ आई टेक मनी फ्रॉम देम फॉर ट्रेनिंग देन आई नीड टू पे देम फॉर देयर प्रोफेशन। ओके सो फ्री में काम कराना मुझे पसंद नहीं आता है। कोलैबोरेशन की बात अलग होती है, बट इट्स अ काइंड ऑफ कोलैबोरेशन ओनली। ठीक है अभी चेंज कर रही फटाफट, सॉरी चेंज कर रहा हूँ फटाफट, क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके हमारी मेकअप आर्टिस्ट अभी तक आई नहीं है। ओके सो डोंट वरी, आपको ये दिखेगा नहीं, मैंने कैमरा से सेट किया। बट यू नो गाड़ी में चेंज करना इज लाइक पेन इन योर एस ब्रो। सारा बेल्ट कैसे भूल सकता है आदमी यार। थोड़े आपको वीडियोस भी देखने मिल जाएंगे, बी रोल्स लूंगा थोड़े, फोटोज लूंगा थोड़े, तो सब देखने मिल जाएंगे। लेट्स ट्राई टू डू समथिंग गुड ऑन इंस्टाग्राम। अरे यार कैसे जाएगा ये पैंट अभी। फाइनली इतनी मेहनत के बाद पैंट चला गया अंदर। अभी जिप भी बंद हो गई, गर्मी हो यार। सॉक्स किधर है? मतलब मैं घर से मैं कुछ भी रेडी होकर नहीं आया था। मैं घर से शॉर्ट्स पहन के आया था और एक मेरा फेवरेट मार्वल टी शर्ट पहन के आया था। तो उसके बाद ही मैंने सब चेंज किया यहाँ पे। चलो मिलता हूँ बाद में बाहर। शोल्डर अच्छे दिखे, पूरी बॉडी अच्छी दिखती है यार। हेलो गाइस, मैं कैसे लग रहा हूँ? हेलो फ्रेंड्स, हाँ हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं कैसे लग रहा हूँ? अच्छा गुड गुड। अब आया नहीं कोई सामने, ऐसे धक्का देता मैं भी बीच में। ओके ये बहुत पसीना बहुत हो रहा है। ओके फाइनली सो मैं रेडी हो गया हूँ। सम गुड पिक्चर्स विच यू गेट टू सी ऑन माई इंस्टाग्राम @iSaurabhtiwari, फॉलो दैट। चलो हो गया बस इन करो। पोजेस के अभाव के कारण हम लोगों की पोजेस चुरा रहे हैं और वैसे ही शूट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो हम लोगों को जो भी आसपास दिख रहा है एशियाटिक लाइब्रेरी के आसपास में या कहीं भी जो भी दिख रहा है वो पोज कॉपी कर रहे हैं हम लोग बस। क्योंकि मेरे फोटोग्राफर्स और मेरे फ्रेंड्स को पता नहीं कि पोजेस कैसे देनी है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पोजेस पता है। मैं अच्छे से मैं एकदम यू नो आई वाज अ मॉडल या फिर क्या, अरे फेमस था मैं बट बॉक्सिंग रिंग में खाली बस। गाइस एज यू कैन सी हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं और सर अंदर बैठ के चेंज कर रहे हैं। तो किधर सौरभ सर कार में चेंज कर रहे हैं।
बिहाइंड द सीन्स मेरे की चैलेंज करना है What's the behind the scenes? So we are on the second location now. Kalagoda kya? Hai na Kalagoda na. Kya Kalagoda kya bolte ho? Black horse, black horse. Black horse. Kalagoda ka bed. Very good. Ha. Aise aise hoshiyar hai mere paas pade hue. Namune sab sare. Second location for the photo shoot. First was Asiatic Library. Ha. This month Pratik kar raha hai, next month ye kar raha hai. So Kalagoda फाइनली जो फोटो शूट का पूरा सेशन था आपने देखा होगा पूरे वीडियो में किस तरह बताया मैं ज़्यादा बात नहीं किया इस वीडियो में क्योंकि मैं जस्ट लोकेशन बता रहा था बी रोल्स पे थे पूरे वीडियो सो दिस वाज अ टीम स्टार्टिंग विद प्रतीक विराज प्रसाद तन्मय तरोक पुनीत एंड चेताली पंदेकर बहुत लोग पूछ रहे थे कहाँ पे ये दिखती नहीं आजकल मैडम कहाँ पे हो बस यही हूँ ओके सो एज ऑलवेज सौरभ सनी आउट टिल देन स्टे फिट स्टे Happy.